मुझे लगा कि आप लोग इस फाइट से बहुत कुछ सीख सकते हो एज अ न्यू बडिंग ई-स्पोर्ट्स एस्पायरेंट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और ज्यादा वक्त ऐसा करते हुए क्लिप पे चलेंगे। बट एनीवे, आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी पहले लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग प्रो लीग शुरू होने से पहले जो कि संडे को होने वाला है यार 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो ज्यादा वक्त इंतजार करते हुए शुरू करेंगे आज का एनालिसिस। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, बहुत कुछ बेसिक चीजें हैं जब हम लोग खुद बैटल रॉयल खेलना या फिर फ्री फायर खेलना शुरू करते हैं। हम क्या सीखते हैं कि कम्युनिकेट करो अपनी टीम के साथ, अपना एक पहले टीम बनाओ, बैकअप दो एक दूसरे को। एंड एज अ स्नाइपर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी टीम में, क्योंकि आप होते हो आखिरी प्लेयर कहीं पे भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि आपके पास एक बड़ी स्नाइपर है जिससे आप हमेशा निगरानी रखते हो। अब ये सिचुएशन में देखिए, टोटल गेमिंग की टीम ये वाले प्लेटफॉर्म से ये जहाँ पे सुपरमैन खड़ा है ये वाले प्लेटफॉर्म में जिप लाइन पकड़ के क्रॉस कर रहे होते हैं। अब आप माफिया को नोटिस करना कि हाउ स्मार्ट ही इज, कि वो वेट करते हैं आखिरी प्लेयर का यू नो जिप लाइन क्रॉस करने तक। एंड जैसे यहाँ पे सुपरमैन जो है कनेक्ट करता है फॉर्जेजर को एक शॉट, माफिया इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड आउट करता है एंड यहाँ पे सुपरमैन का किल जो है ले लेता है। एंड आई थिंक ये एक बहुत यू नो बेसिक चीज है एंड एक छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बार यू नो बड़े लेवल पे जाके ऐसे ऐसे स्क्रिम्स में जाके आप लोग भूल जाते हैं करना। एंड आई थिंक ये एक बहुत हाईलाइटिंग पार्ट था जो यहाँ पे माफिया ने किया है। अब इस सिचुएशन में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ओरैंग ओटैंग इलीट के प्लेयर्स ये वाले कंपाउंड को होल्ड कर रहे हैं, पहाड़ी है यहाँ पे, आइकॉनिक है, और हमारे जो टीजी के प्लेयर्स हैं वो ये वाले प्लेटफॉर्म से आगे वाले प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी उनके बाकी प्लेयर्स पहुंच चुके हैं। माफिया भी अभी जिपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इस सिचुएशन में देखिए कि आप एज अ टीम, जिस टीम के पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, जिस टीम के पास एक एडवांटेज है, उसको कैसे आप काउंटर कर सकते हैं, आप कैसे काउंटर कर सकते हैं, वो आपको ओजी इलीट करके खुद ही बताएंगे। ये सिचुएशन अब खुद इस पे गौर फरमाइए। यहाँ पे टोटल गेमिंग आगे जाके क्या करते हैं कि वो दो टुकड़ियों में बट जाते हैं। फौजी और रोहित एक जगह पे रहते हैं और माफिया और ड्रेगो जो है वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस मोमेंट पे आप देखना ड्रेगो जो है वो नॉक, रोहित नॉक होंगे, एक्चुअली रोहित जो है नॉक होते हैं MA2B से, वो पहाड़ी है जिन्होंने उनको नॉक दिया होता है। अब इस चीज का फायदा किसको होता है, ओरैंग ओटैंग इलीट के किलर को। जैसे ही नॉक होते हैं प्लेयर का डिस्ट्रैक्शन होता है, किलर जो है इस्तेमाल करते हैं लॉन्च पैड और वो आ पहुंचते हैं ये सामने वाले प्लेटफॉर्म पे। अब देखिए कितना क्लोज है ये प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म पे टीजी के प्लेयर्स हैं और ये प्लेटफॉर्म पे किलर आके बैठ चुका है। ठीक है, अब आप एक यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है रॉकी भाई दे रहे हैं, देखिए ये सिचुएशन में काफी अच्छी चीजें समझने के लिए कि एज अ टीम अगर आप 2-2 के स्प्लिट में हो, आप इस सिचुएशन में एक डिसएडवांटेज में ही फंस सकते हो, एडवांटेज में ही फंस सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ी ने जो है पिछली बार जैसे माफिया ने करके दिखाया था ना, अपने स्नाइपर से पीछे रह के नॉक निकाल दिया था फौजी आजा जब आगे चल रहे थे, यहाँ पे सेम ये गन के मार्क्स दिख रहे हैं, ड्रेगो को नॉक हो चुका है, देखिए ड्रेगो नॉक हो चुका है यहाँ पे। अब जो है ये जो दो प्लेयर्स होते हैं ना, ड्रेगो और माफिया, ये हो चुके हैं फौजी और रोहित से बाहर, मतलब ये नहीं दे सकते इन लोगों को कवर फायर। ये एक सिचुएशन है कि आप अगर कोई भी फाइट में इन्वॉल्व हो रहे हो 2-2 के स्प्लिट में, आप बहुत अच्छी तरीके से निगरानी रख सकते हो, किल्स बहुत निकाल सकते हो, बट आपके पीछे कोई टीम ना हो, तो अगर कोई टीम होगा तो यही सिचुएशन आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपने अच्छी तरीके से गार्ड नहीं किया। अब जो है फौजी अजय और रोहित जो है बहुत खराब तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, यहाँ पे RDP और किलर के बीच फाइट होना शुरू हो चुका है। आइकॉनिक जो उनकी टीम के ग्रेनेडियर है वो आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे एंड वो देखिए अब क्या करेंगे। हमें पता है ग्रेनेड के साथ कितना ज्यादा परेशान कर सकते हैं वो एज अ प्लेयर, हाँ फॉर्म ऑफ फॉर्म गया था बट अभी जो कमबैक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए पहला नॉक यहाँ पे रोहित का निकल के आएगा, दूसरी तरफ से RDP ने एक क्रॉस इन नेड मारा है। ठीक है, रोहित यहाँ पे आइकॉनिक नॉक होता है बट क्या फर्क पड़ता है, फौजी और वहां पे रोहित दोनों नॉक हो चुके हैं, किलर ऑलरेडी सामने वाले इस पे कूद चुका है। इस सिचुएशन का फायदा OG को ही होने वाला है। बहुत यू नो छोटी सी एंड बेसिक चीज थी ये, बट सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे कि एज अ टीम अगर आप साथ में नहीं रहते हो तो क्या हो सकता है, अगर साथ में रहते हो तो क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे माफिया और ड्रेगो कवर फायर क्रिएट करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके टीम के दो मेन हिस्से को यहाँ पे एलिमिनेट किया जा चुके हैं। अब OG के पास जाने वाला है ये सर्कल का एडवांटेज एंड यहाँ से OG आगे चल के बूया भी कन्वर्ट करती है। आई थिंक ये एक बहुत हाईलाइटिंग फाइट था। हाँ, आप कह सकते हो कि ये TG और OG की फाइट है, बट TG और OG की फाइट को अगर आप हटाओगे ना
ये सोचो कि यहाँ से आपको एज अ टीम क्या क्या चीजें सीखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक अगर आप लोगों को ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि और मैं क्या डिफरेंट चीजें आपके लिए हेल्पफुल बना सकता हूँ। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब कर दो। यार हम लोग को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचने हैं संडे से पहले, जो कि प्रो लीग का ग्रैंड फाइनल होने वाला है। होपफुली हो जाएगा 10,000 सब्सक्राइबर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार बरसाया है। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।